विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल प्रदेश की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अध्यक्ष बनने पर पहली बार मां ज्वाला की विधिवत पूजा अर्चना की और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास की कीमत पर निःशुल्क सुविधाएं देने का विकल्प कदाचित अनुकरणीय नहीं हो सकता। अब सभी राजनेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल प्रदेश की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अध्यक्ष बनने पर एक बार पहली बार मां ज्वाला की विधिवत पूजा अर्चना की और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कहा कि किसी भी राज्य के विकास की कीमत पर निःशुल्क सुविधाएं देने का विकल्प कदाचित अनुकरणीय नहीं हो सकता। वो सभी राजनेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। डॉक्टर बिंदल ज्वालामुखी मंदिर में माथा टेकने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश जैसे सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य में लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि लोगों के पास आत्मनिर्भर बनने के और साधन उपलब्ध हो सके और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि निःशुल्क सुविधाओं के नाम पर किसी विशेष सुविधाओं को आकर्षित करने का प्रयास करना स्वास्थ्य राजनीति का परिचालक नहीं है, क्योंकि इससे देश के आधारभूत ढांचे को आघात पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि ज्वाला मां के चरणों में नमन करते हुए भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी, समाज एवं हिमाचल प्रदेश की भरपूर सेवा कर सकूं। ज्वाला मां मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे ताकि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश हित में लगातार आगे बढ़ती रहे। आगामी जयराम ठाकुर की सरकार अगले 3 वर्षों में समाज सेवा की नई नई कीर्तिमान स्थापित करे और एक बार फिर इतिहास रचे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गत 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास को एक समान रूप से आगे बढ़ाया है और पैमाना विपक्ष की आलोचना नहीं ताकि जनादेश होता है, जो राज्य के लोगों के गत आम चुनावों के दौरान राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त देख कर दिया है। इससे पहले ज्वालामुखी मंदिर पहुंचने पर मंदिर अधिकारी बिशन दास मंदिर न्यास की ओर से उन्हें ज्वाला मां की फोटो और चुनरी समर्पित की गई।